दोस्तों, अलाहाबाद हाई कोर्ट का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन केस ऑफ मैसर सुनील ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक बहुत ही अच्छी जजमेंट पास की है और अलाउ की है रिट पटिशन एंड हेल्ड दैट पटिशनर इज़ एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ जजमेंट, जो कि किसका केस था, मैसर्स वरुण बीवरेज लिमिटेड का। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट्स क्या थे कि जो मैसर सुनील ट्रेडर्स हैं उन्होंने एक रिट पटिशन फाइल की फॉर सेटिंग असाइड ऑफ ऑर्डर जो कि उनको इशू किया गया था दिसंबर 12 को एंड फरवरी 12 को, जहाँ पे पेनल्टी लगाई गई थी उन पे हैज़ बीन इम्पोज्ड अलेजिंग दैट गुड्स उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं विदाउट इवेबल अंडर यूपी जीएसटी एक्ट। ठीक है, तो उनका कहना था कि गुड्स जो है ट्रांसफ़र हुए हैं विदाउट ई वे बिल, जिसकी वजह से पेनल्टी लगाई गई। द इशू अराइजिंग इज़ विद रिस्पेक्ट टू पीरियड 1 फरवरी से जो है 31 मार्च तक के पीरियड के लिए ये पेनल्टी लगाई गई। तो इशू है कि वेदर गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट ई वे बिल, क्या ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं फॉर द पीरियड फरवरी 18 टू मार्च 18। तो यहाँ पे अलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन रिट पिटीशन 678 रिलाई किया जजमेंट ऑफ मैसर्स वरुण बीवरेज लिमिटेड को एंड कोर्ट का ओपिनियन था कि पिटीशनर इज एंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ अफोर मैंशनड जजमेंट जो आई थी पहले, उसका बेनिफिट जो है पिटीशनर को मिलेगा। वेयर इन इट वॉज हेल्ड दैट जो रिक्वायरमेंट है ई वे बिल की अंडर यूपी जीएसटी एक्ट अलोंग विद द रूल जो एनफोर्स सेबल है फॉर द पीरियड फरवरी 1, 2018 टू 31 मार्च 2018 हेल्ड दैट ऑर्डर आर सेट असाइड एंड जो भी अमाउंट पटिशनर के द्वारा डिपॉजिट की गई रिस्पोंडेंट को वो रिफंड होनी चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो उस जजमेंट का बेनिफिट उन्हें मिलेगा और वो जो है ई वे बिल विदाउट मेकिंग ई वे बिल वो कर सकते हैं इस पीरियड के लिए जो आपका फरवरी 2018 से मार्च 2018 तक का पीरियड है, उसमें ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कोर्ट के द्वारा जजमेंट पास की गई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे शेयर करना मत भूलिएगा।